प्रदेश के फिरोजाबाद से, जहां आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक जिला कार्यालय कनेडा पर जीनू चक्रवर्ती की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नगर मीडिया प्रभारी जीनू चक ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है वह अपनी उपस्थिति में निःशुल्क राशन वितरण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी द्वारा व्यक्त की गई मंशा के अनुरूप जनपद फिरोजाबाद में समस्त भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं एवं बूथ अध्यक्षों से अनुरोध है कि आप अपने समिति के सदस्यों के साथ अपने कोटेदार की दुकान पर रहकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क वितरण किया जा रहा है, आमजन को बिना राशन कम किए उपलब्ध कराएं। इस मौके पर कुंदन प्रजापति, लालू सविता, दिवाकर यासिर खान, बादल प्रजापति, अरुण राजपूत, अमन कुमार, अश्वनी कुमार, मोनू राठौर, जीनू चक, अमन राठौर आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी, आज मैं बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, उसके तहत सरकार ने निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो यह दिवाली तक राशन बांटा जाएगा, घोषणा हो चुकी है, तो संबंध में आज बैठक की है हम लोगों ने। इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता से निवेदन कर रहा हूँ कि वह अपनी समितियों के साथ, बूथ अध्यक्ष अपनी समितियों के साथ, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने अपने सदस्यों के साथ कोटेदारों की दुकानों पर जाए और अपनी उपस्थिति में राशन वितरण कराए। उसमें खासकर यह ध्यान जरूर दें कि किसी भी तरीके की घटोत्तरी तो नहीं हो रही है, किसी तरीके का कांटा तो नहीं मारा जा रहा है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और सरकार ने कोटेदारों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करा दी गई है, तो जो भी कार्ड धारक हैं उनके पहले हैंड वॉश करा दिए जाएँ, उसके बाद में ही उनका अंगूठा वगैरह लगवाया जाए, उनको राशन दिया जाए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।